आजकल के ऐसे माहौल में शादी की तकरीब मर्दों और ख़वान दोनों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग मसला बन चुका है हमारे माशरे में इस अहम काम को आसानी से हल करने के लिए और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई जाने वाली सुनतम के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरूफ़ इमा और मुमताज़ शख्सियात की मीटिंग का अहमाम किया मकासद को आगे बढ़ने के लिए रास्ते पर तफसी तबादला खयाल किया गया इस मौके पर कई सारे मोजिस मेहमानों ने इस मौके पर शिरकत करते हुए अपने इतफ़ाक़ की और दस्तावेजी शक्ल पेश की वाज़ नाज्रीन के वतन अजीज और मुसलमान हिंद के लिए ये एक एजाज़ और शर्फ़ की बात है कि इनके यहाँ मुस्लिम लॉ बोर्ड जैसा मौसर व बामखार मुश्तरी प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि कम व बेश चालीस सालों से दीनी व मिली जदोजहद में अमल है मुसलमानों की आयली ज़िंदगी और हकूक़ के तहफ़ के लिए हमेशा दम कोशा और इस्तलाल वजुरातमंदी के साथ अपनी मिसाल खिदमात अंजाम देता चला रहा है जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह असला कमेटी के तहत आसान और मसनू निका की मुहिम मुल्क गीढ़ सतह पर वक्फ़े वक्फे से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह इस मुहिम के हौसला अफज़ा नतज व असरा सामने आ रहे हैं निकाह को आसान और सादा बनाने के सिलसिले में बोर्ड की जानब से नामे भी मुरतब किए गए जिस पर तमाम मसालिक और फिक्र के जिम्मेदार हजरात के दस्तखत सबत है इस अकररार नामे को जुमा की मुनासिबत से मजाजिद में भेजा जाता है और अवामनास से सादा और आसान निका के सिलसिले में इकरार भी करवाया जाता है इसी तरह इस इकरारनामे को हर मस्जिद में आवेज़ाँ करने की कोशिश भी की जा रही है आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तबसी मालूम ये जेरहाम इसलाहे माशरा कमेटी कायम है जैसा कि आप जानते हैं इसी इस माशरा कमेटी के ज़रमाम मसनू निकाह तहरीक चलाई जा रही है और जिसका एक अहम तरीन इजलास आज अलमहदुल आलिस्मी में हरत मौलाना खालिद सैफुल्ला रमानी साहब दमत बरकत हम और मौलाना शाह जमालन साहब दमत बरकत हम इन दोनों की सरपरस्ती में मुनद हुआ और ये जो मसनू निकाह तहरीक है वो एक जज्बे के तहत शुरू की जा रही है हालात से आप पूरी तरह वाकिफ़ हैं और हमारे समाज में निकाह को लेकर शादी को लेकर जो हंगामे बरपा हैं फजूल खर्ची हो रही है इसराफ हो रहा है और गरीब तबके के दिलों को छलनी किया जा रहा है और आज हज़ारों हमारी बच्चियां नौजवान बच्चियां महज निकाह को महंगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की वजह से आज हमारी मासूम लड़कियां अंदर से अंदर घुट रही हैं और इनकी ज़िंदगी अजीरन हो रही है इसी फिक्र और तड़प को लेकर हैदराबाद के नौजवान ने ये इकदाम किया हमारे बुज़ुर्गों से और रब किया और आल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड के ज़ेर ज़ेरहाम जो इस्लामी माशर कमेटी है उसके तहत में ये मसनू निकाह तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है इनशाला इस सिलसिले में बहुत जल्द फील्ड में उतर कर टीम वर्क के तौर पर हमारे हमारे कायदीन हमारे दानशवरान पूरी तरह मुन अंदाज में काम करेंगे जिसके लिए पूरी तैयारियाँ की जा चुकी हैं हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो हमारे बड़े हैं जो सरपरस्त करती करते हैं उनको मजलिस मुशावरत में शर्क किया गया है और अलहमदिल्ला आज का जो अजलास रहा पूरी तरह बड़े अकाबिर और उलमा और जिम्मेदारान और ज़िले सतह पर जो बड़े मतहरिक और उलमा थे उन सब ने आज शर्क होकर इसवान की अहमियत को उजागर किया है और आज एक अहद लिया है और अहद किया है कि वह सब मिलकर अपने अपने इलाक़े के अंदर मसनू निका तहरीक के सिलसिले में पूरी हलचल मचाएँगे एक कोश पूरी कोशिश करेंगे ग्राउंड लेवल पर इनफरादी सतह पर इनफरादी मुलाकात के ज़रिए से अलहमदिल्ला ये काम होगा हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद के भी अरकान आमिला को अरकान आमिला बनाए गए हैं अलहदिल्ला फिर उसके बाद मजलिस इंतज़ामिया मुकर की गई है मौलाना खाली रहमानी साहब ने इन इनबाब को इस इंतज़ामी कमेटी का जिम्मेदार बनाया है रियास अहमद रशादी आका में आ, सदर के तौर पर मुफ्ती हुसैन हुसैसन साहब नायब सदर अवल मौाना मिसबाउद्दीन हुसामी साहब नायब सदर दूवम मुफ्ती मोहम्मद रफीउद्दीन साहब वो जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और मुफ्ती उमर आबिदीन मदनी काफ़ी साहब जॉइंट सेक्रेटरी रहेंगे मौाना अहमद ममीज नदवी साहब तर्जुमान रहेंगे प्रेस सेक्रेटरी रहेंगे और जनाब अब्दुल अब्दुलरलीम साहब खाजी और मिर्जा अकबर बेग साहब ये जॉइंट खाजी रहेंगे इसका मकसद यही है कि इन अगराज वकासद के हत्या के तहत ये मसनू निकाह तहरीक क़ायम की जा रही है कि कमेटियों की तश्ील दी जाएगी तमाम मकातीब फिक्र को नुमाइंदे दी जाएगी मसनू निकाह का शरूर बेदार किया जाएगा ज़बानों में इन शाला इसका लिटरेचर कायम किया जाएगा और अइम और ख़ुतबा और जो कादी हजरा हैं उनको भी इस सिलसिले में फेवर में लिया जाएगा और ख़वान और मर्द हबाब के लिए मसाजिद मदारस और असीम असी जो इस्कूल और कॉलेज हैं वहाँ पर भी इन श मेहनत की जाएगी और इस्लामी शादी कोर्स भी इंशाल्लाह शाला एक मुनदद करेगा ताकि शादी से पहले लड़के और लड़कियों को मालूम हो कि उन्हें किस तरीके तरीक़े का निकाह करना चाहिए और मसनू निकाह से मुतिक इन श्रा मवाद भी और छोटे छोटे रसायल भी इन श्रह क़ायम करेंगे और तशीरी मुहिम जमीनी सतह पर इनशाला की जाएगी और मरकजी दफ्तर का हैदराबाद में क़ियाम भी अमल में आ रहा है उसको इन बहुत जल्द कत दी जाएगी अजला की तशकील के लिए ज़िम्मेदारान के वूद इन शख्तलि अजला में जाएंगे और एक अच्छे अंदाज में ये काम किया जाएगा हम मीडिया के मशहूर हैं कि मीडिया ने इसको अच्छा कवरेज किया है और हमारा ये पैगाम यही है अकाबिर सरपरस्तों का निगरान हज़रा का जिम्मेदारों का कि एक फ़िक्र के साथ अवाम आए और आवाम को एक अपील करते हैं कि ये वक्त अब अपने माल को ज़ाय करने का नहीं है इसराफ करने का नहीं है जिस मेहनत से आपने अपनी मीशत को मजबूत किया है इसको अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करें एक दिन की खुराफात के लिए अपनी एक बच्ची की शादी के लिए लाखों करोड़ रुपये खर्च कर देना और नाम वनमूद के लिए पा पैसा पानी की तरह बहा देना ये कोई अकलमदी नहीं है मुसलमानों को चाहिए कि अब अपनी मीशत को मजबूत करने के लिए निकाह को मसनून बनाएं और सही तरीके से निकाह करें और अपने अपने इलाक़े के उलमा से रुजु हों पूछें उनसे कि शरीय के मुताबिक हमें अपनी बच्चियों का निकाह और अपने बच्चों का निकाह किस तरह करना चाहिए निकाह और निकाह से मुतल जितने खुराफा हैं उनको हमें दूर करना होगा अर्ज़ करना होगा आहद करना होगा और फ़िक्र के साथ हमें आगे बढ़ना होगा हज एंड उमरा ग्रुप हैदराबादी नहीं बल्कि पूरे आंध्रा और तेलंगाना की पहली पसंद मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरेबिया और इंडिया से मंजूर शुदा हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस के अलावा मुकदस मुकाम की ज्यारतें और इसके अलावा दुबई सऊदी ओमान के विजिट वीजा और एयर टिकटिंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल वाजबी कीमतों के लिए हमसे रहा करें होबा टूर्स एंड ट्रेवल्स बीबी बाजार एक्स रोड बिहाइंड होबा मोबाइल्स, फोन नंबर जीरो फोर जीरो टू फोर फाइव सिक्स फाइव सेवन एट सिक्स और नाइन सेवन डबल जीरो सेवन एट सिक्स सेवन एट सिक्स या फिर नाइन एट डबल सिक्स सेवन सिक्स एट सेवन एट सिक्स पर रहा कर सकते हैं